जिला पंचकुला के उपायुक्त के निर्देशानुसार गीता मंदिर रामबाग रोड कालका में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। इस मौके पर इस जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लगाए गए विशेष शिविर में सरकार द्वारा पहचान पत्र, फैमिली आईडी में त्रुटियां, समाज कल्याण, बुढ़ापा पेंशन व सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया, जिसमें करीब 450 लाभार्थियों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और इस विशेष शिविर का फायदा उठाया। वहीं इस कैंप में नगर परिषद कालका वार्ड नंबर 5 से रहे कैंडिडेट एवं समाजसेवी चतर सिंह भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस विशेष शिविर में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य सरकारी आईडी में हुई त्रुटियों के बारे में यहाँ अधिकारियों द्वारा विशेष तौर पर बारीकी से जानकारी दी गई और लोगों ने अपने अपने कागजात ठीक करवाए। सैकड़ों लोगों का मौके पर ही निपटारा किया गया। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों में विशाल कुमार, कपिल कुमार, अन्य अधिकारीगण यहाँ मौजूद रहे। वहीं समाजसेवी कालका निवासी चतर सिंह ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस जन कल्याणकारी योजनाओं बारे लगाए गए इस विशेष शिविर का स्वागत किया और कहा कि लोगों को जगह जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं, एक छत के नीचे सारी त्रुटियां ठीक की गई। समाजसेवी चतर सिंह ने डीसी पंचकुला सुशील सारवान से मांग की है कि यहाँ राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, फैमिली आईडी में बिना पूछे ज़्यादा इनकम डाली गई है, जिससे आम जनता सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवक होने के नाते उनकी ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने डीसी पंचकुला सुशील शारवान से ये भी मांग की है कि एसडीएम कालका और तहसील दफ्तर में 2 से 3 अधिकारी हर रोज बिठाए जाएं, क्योंकि लोग सियासी सेंटरों के धक्के खाकर परेशान और दुखी हो चुके हैं। इस शिविर में नोडल अधिकारी दीपिका ने बड़े अच्छे तरीके से सभी विभाग के साथ मिलकर इस कल्याणकारी शिविर को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। वहीं दीपिका, डॉक्टर बीएस सिसोदिया, मंदिर कमेटी व पार्षद विनोद सावरनी का भी सहयोग के लिए अधिकारियों द्वारा धन्यवाद किया गया। यहाँ नोडल अधिकारी ने बताया कि ऐसे कैंप आगे भी लगाते रहेंगे। पहले 4 कैंप लगा चुके हैं पंचकुला जिला में, जिसमें लाभार्थियों ने इस कैंप का लाभ उठाया था और हज़ारों लोग इस कैंप का लाभ उठा चुके हैं। पीपीआईडी और हमारे ये 12 डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। आधार कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड, सभी डिपार्टमेंटों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है। मैं धन्यवाद करूँगा दीपिका मैडम का, जिन्होंने ये कैंप बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। अभी कुछ समय पहले कुछ लोग, उधर भी लोग आए यहाँ पर, जिन्होंने पब्लिक को भड़काने की कोशिश करी। पार्टी के आदमी थे तो, परंतु ऐसे लोग उधर भी आते हैं, परंतु लोगों ने उन बातों का कुछ अलग करके दरकिनार करके और इस कैंप का लाभ लिया। मैं मैडम का धन्यवाद करूंगा, एडीसी साहब का धन्यवाद करूंगा। अभी उपायुक्त महोदय ने अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है, उनके आदेश अनुसार एडीसी मैडम वर्षा चुवाल के श्रीमती वर्षा चुवाल के आदेश अनुसार ये कैंप लगाया गया है। और इससे पहले हमने 4 कैंप लगाए थे, जो कि खड़ग मोहल्ली करवाना और राजीव कोनी में लगाया गया था। और जो आज का कैंप है ये विशेषकर कालका में गीता भवन में लगाया गया है। लगभग 450 लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट आए हुए थे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने के पूरे प्रयास किए हैं। सरकार ने ये बड़ा ही अच्छा बीड़ा उठाया है कि घुमंतू जाति के विकास के लिए, उन्हें योजनाओं का लाभ देने के लिए, उनकी दस्तावेजों करवाने के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाए हैं। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं जो बीजेपी पार्टी के प्रभारी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया है। मैं इन सबको बहुत धन्यवाद दूँगी। ये कैंप लगाया आज, हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ लोगों को जैसे ये राशन कार्ड की दिक्कत आती, फैमिली आईडी की, अब ये प्रशासन के लोग आए हुए हैं तो ये सब ठीक कर रहे हैं। पेंशन वाले आए हैं सभी यहाँ, बहुत टाइम बाद ये कैंप लगाया, तो हमें रामबाग मंदिर कमेटी से बहुत, हम इनका मैडम का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो कैंप का करवाया।